स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा के बारे में. हाइड्रा की बात कीजिए कि क्या है, तो ये एक्वेटिक एनिमल है जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं. और आज हम इसके नर्वस सिस्टम मतलब ये कि इसके आसाबी निजाम के बारे में पढ़ेंगे. हाइड्रा की बात की जाए कि हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो हाइड्रा फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है. इसमें हम सी को जो है वो साइलेंट देखते हैं कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे नाइडेरिया. और अगर इसकी सिमेट्री की बात की जाए तो इसकी रेडियल सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है, ये ऐसी सिमेट्री है जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से काटा जाए तो उसका एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होता है, मतलब ये कि बिल्कुल ऐसा होता है. क्योंकि हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम जो कि आसाबी निजाम है वो किन सेल से मिलकर बना हुआ है, वो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है. जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, इन्होंने एक नेट बनाया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है और उसमें कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं नजर आ रहा जहां पर नर्व्स इकट्ठे होके कोई ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हों. तो इस तरह का जो नर्वस सिस्टम है उसे हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज है, या फिर हम कहेंगे कि ये डायरेक्शनल नहीं है. क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नर्व नेट प्रेजेंट है ये सारी की सारी डायरेक्शंस में और हर तरफ फैला हुआ है. नर्वस सिस्टम की बात की जाए कि इसका काम क्या है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस को रिसीव करता है कहाँ से, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब ये कि जो बाहर उसका एनवायरनमेंट है वहां पे अगर कोई तब्दीली आए, या उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अगर वहां पर कोई तब्दीली आए तो ये उसको डिटेक्ट करता है. और वो क्या कहते हैं, कहाँ से डिटेक्ट करता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन और स्टिमुलाई किसको कहते हैं, जो कोई भी तब्दीली आ रही है उसके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. अब डिटेक्ट करने के बाद जैसे कि हम कह रहे थे कि ये जो हाइड्रा है उसका नर्वस सिस्टम क्योंकि नेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो डिफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब उस मैसेज को भेज दिया जाता है सारी की सारी डायरेक्शंस में. क्यों? ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई रिस्पांस शो करे. पहले जो रिस्पांस होगा वो थोड़ा सा स्लो होता है, आहिस्ता होता है. उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, जब एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से मिलता है तो उन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप या फिर हम कहते हैं कि खाली जगह प्रेजेंट होती है. और उस खाली जगह को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साइनैप्स. इसका मतलब ये है कि साइनैप्स की वजह से वहां पर ट्रांसमिशन जो है, मतलब ये कि मैसेज जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है. और फिर उसके बाद उस मैसेज को, मतलब ये कि पूरी बॉडी में हम कहते हैं फर्दर आगे भेज दिया जाता है. और बॉडी जो है उसको रिसीव करने के बाद कोई भी रिस्पांस शो करती है, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या वो मूव करेगी. ठीक है, या अपने और अपने ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने किसी पार्ट को, लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो उसके स्ट्रक्चर है टेंटिकल्स, इनको मूव कराए. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा के बारे में.